द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एंड एनालिसिस जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे इन द डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फार्मूलेशन में डेटा अबाउट द एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप डेटा अबाउट एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स की बात करोगे तो हम यहाँ पे यूजली बात करते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ द डेटा एक को आप प्राइमरी डेटा कहते हो तो, एक को आप सेकेंडरी डेटा डेटा में हम कैटेगराइज करते हैं अब बाय यूजिंग द डेटा दैट इज अवेलेबल फॉर एनालिसिस तो आप कह लें ये हेल्प आउट करेगा पॉलिसी मेकर को टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट वो आप हेल्प करेगा टू इंप्रूव द सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर वो आप कह लें हेल्प करेगा टू एनहांस द फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन अ कंट्री लेकिन वो ये सारा काम करेगा क्या ये सारी चीजें अचीव करने के लिए ही विल कैरी आउट सर्टेन एनालिसिस लेकिन वो एनालिसिस किस चीज पे करेगा ही विल कैरी आउट दैट एनालिसिस ऑन डेटा जैसे मैंने आपको कहा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ द डेटा प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा तो जब हम कहते हैं प्राइमरी डेटा तो आप कह सकते हो दिस इज द डेटा सेट दैट देस नॉट अंडर गो एनी टाइप ऑफ द स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट तो जी अगर मैं फार्मर से डेटा कलेक्ट कर लू कि कोई हंड्रेड फार्मर सेट मैं उनसे पूछू हांजी जी आपकी वीट प्रोडक्शन क्या आती आपने क्या क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज की कितने आपने फर्टिलाइजर यूज किया आपने कितने एरिया पे वीट को कल्टीवेट किया आपकी आ, कितने आपने यहाँ पे आप कह लें पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज किया इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट तो फिर आपने कितने यहाँ पे इिगेशन की यहाँ पे आपने कितने आप कह लें आपने उस जमीन को तैयार करने के लिए कितना खर्च किया तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये मैं फार्मर से जब इंडिविजुअली जाकर कलेक्ट करूंगा तो मैं कह सकता हूं दैट इज द प्राइमरी डेटा लेकिन यूजुअली टू गेट टू गेट प्राइमरी डेटा इज एन एक्सपेंसिव टास्क इसके लिए आपको भी रिक्वायर्ड होंगे तो जब हम यूजुअली जो मेरे और ये जो मैं प्राइमरी डेटा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट फार्मर्स अबाउट द यील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल क्रॉप तो ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस सेक्शनल डेटा कि वेन वी कलेक्ट डेटा अबाउट वेरियबल फ्रॉम डिफरेंट रिस्पॉन्डेंट एट अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिर यहां पे आपके आप कहें देर इज एन कैटेगरी ऑफ डेटा जिसको आप टाइम सीरीज डेटा कहते हो टाइम सीरीज डेटा में क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम मैं एग्रीकल्चर में वीट प्रोडक्शन का डेटा ले लू फॉर पाकिस्तान फॉर लास्ट ट्वेंटी ईयर तो यह क्या है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज डेटा मैं डेटा ले लू शेयर ऑफ लाइफ लाइफ स्टॉक सेक्टर इन द एग्रीकल्चरल जी डी पी तो वो क्या है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज डेटा टू थाउजेंड वन में शेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्या था शेयर ऑफ लाइफ स्टॉक क्या था इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर टू थाउजेंड टू में क्या था ट्वेंटी ट्वेंटी में क्या था तो ये क्या है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज डेटा वी आर कलेक्टिंग डेटा अबाउट अ वेरियबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम पैनल डेटा की बात करेंगे ये क्या है दिस दिस इज इज अ डेटा सेट वेयर वी कलेक्ट डेटा ओवर अ क्रॉस सेक्शन फॉर अ अ क्रॉस सेक्शन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं यूं बात कर लूं हमने हमने बात की के के जी पाकिस्तान के वी मेक अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ पाकिस्तान विद इंडिया एंड बांग्लादेश हमने उसका डेटा सेट लिया फॉर टाइम पीरियड नाइनटी

2022 तो ये मेरे पास एग्जांपल होगी पैनल डेटा की जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो यूजुअली आप कह लें इन एग्रीकल्चरल सेक्टर क्रॉस सेक्शनल डेटा और टाइम सीरीज डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं लेकिन टू तो गेट पैनल डेटा दैट इज यूजुअली अ डिफिकल्ट टास्क आप कह लें जो टाइम सीरीज डेटा होगा या पैनल डेटा सेट होगा ये डेटा अमूमन आपके पास एग्रीगेट्स की फॉर्म में होगा लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल फार्मर्स के रेफरेंस में बात करूं तो यूजुअली जो मेरे पास डेटा सेट है दैट इज क्रॉस सेक्शनल इन नेचर और ये जो सारे डेटा सेट हैं कि अगर मैं क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट को यूज करूं तो ये मुझे आप कह लें अंडरस्टैंडिंग देगा कि इन विच वे फार्मर्स आर कैरिंग आउट प्रोडक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या जी मैं अगर डिफरेंट फार्मर्स फॉर्मरस काम्पेरिजन कर लू कि जी वहां पर दस ऑफ वेट उनसे मैं डेटा कलेक्ट करूंगा अबाउट आउटपुट एंड इनपुट देन हम एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अम, अम, अमंग 10 farmers, हम इसको भी कर सकते हैं क्रॉप का, एक, एक का डेटा एक फार्मर से फॉर टेन इयर्स कलेक्ट कर लें तो वहां पे भी हम एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फार्मर है वो किस ईयर में आप कहें उसने ऑप्टिमल ऑप्टिमल प्रोडक्शन बाई यूजिंग दी गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट हाँ जी एफिशिएंट क्या है जब हम एफिशिएंट की बात करते हैं दिस इज आउटपुट मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट ऑफ अगेंस्ट गिवन क्वांटिटी इनपुट यहां आप इसे कह सकते हो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ गिवन आउटपुट बाई यूजिंग मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट जब हम डेटा सोर्सेज की बात करते हो देर आर नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल नंबर ऑफ डेटा सोर्सेज फ्रॉम विच डेटा कैन बी कलेक्टेड अबाउट एग्रीकल्चरल वेरिएबल्स के जी आपके पास कितना लैंड एरिया है क्रॉप एरिया कितना है प्रोडक्शन क्या थी कंजम्पशन क्या थी, ये सारा डेटा सेट आप हम ऑप्टेन कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इसमें लोकल डाटा सोर्सेज भी हैं आपके पास और इंटरनेशनल डेटा सोर्सेज भी हैं जब आप लोकल और नेशनल डाटा सोर्सेज की बात करते हो तो ये यूजली आप कह लें डेटा कलेक्ट करती है करता है बाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट होंगी कलेक्शन अबाउट डिफरेंट स्टेटिस्टिकल्चर यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान ब्यूरोस्टिक्स है जो आप कह लें डेटा कलेक्ट करें ऑन द बिहा ग यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो आपके पास डेटा रिपोर्ट करेगा अबाउट डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स अब जो आप कह लें कि जब हम गवर्नमेंट एक चीज तो आपने देखी होगी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अगर आप एग्रीकल्चरल सेक्टर के अपेंडिक्स को देखोगे तो वहां पे आपके पास डिफरेंट एग्रीकल्चरल आउटपुट का डेटा अवेलेबल होगा वहां पे आपके पास जो टोटल लैंड कल्टिवेटेड लैंड एरिया है वो उसकी इंफॉर्मेशन भी वहां पे इकोनॉमिक सर्वे में गिवन होगी फिर इसी पैटर्न पे आप कह लें ये जितने देर आर नंबर ऑफ सोर्सिस फ्रॉम विच वन कैन ऑबटेन इंफॉर्मेशन अबाउट दी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन वो इंफॉर्मेशन ले सकता है अबाउट डिफरेंट क्रॉप्स वो इंफॉर्मेशन वहां से ले सकता है यूटिलाइजेशन ऑफ इन यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर अक्रॉस डिफरेंट क्रॉप्स वो आपके पास इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि हाउ मच मीट इज प्रोड्यूस्ड इन द एग्रीकल्चरल इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ये सारे आपको क्या, क्या होगा कि ये डेटा आपको आप ऑप्टेन कर सकते हो अगर मैं पाकिस्तान के रेफरेंस में बात करूं फ्रॉम डिफरेंट लोकल एंड नेशनल डेटा कलेक्शन एजेंसीज हाँ अगर वो कोई आपको कोई ऐसा डेटा रिक्वायर्ड है दैट इज नॉट अवेलेबल दैट इज नॉट बी कुलेक्टेड बाई लोकल और नैशनल एजेंसीज तो वहां पर क्या होगा यू हैव टू कैरी आउट अ प्राइमरी सर्वे यू हैव टू कलेक्ट डेटा यूर सेल्फ बाय कैरिंग आउट आ सर्वे आप जब उस सर्वे को करोगे तो उसके लिए भी आप कह लें देर आर सर्टन प्री दैट शुड बी फॉलोड सर्वे जो करना है उसका सैंपल क्या होगा वो सैम्पलिंग आप किस टाइम किस फ्रेमवर्क में करोगे हाँ जी सिंपल रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा स्टर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगा या आप कह लें कि आप एक कन्वीनियंट सैंपलिंग करोगे अब डिपेंडिंग अपॉन यूर स्टडी यू विल कैरी आउट सर्वे टू कलेक्ट डेटा अबाउट वेरिएबल्स जब आप इंटरनेशनल सोर्स ऑफ डेटा की बात करोगे तो एग्रीकल्चर के रेफरेंस में आप कह लो कि देर इज रिच रिच डेटा सेट देट हेज बिन कलेक्टेड बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन यहाँ पे आप डेटा सेट कलेक्ट कर सकते हो अबाउट डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट रीजनस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इसी पैटर्न पे जो आपके पास वर्ल्ड बैंक है कि जो आपके पास वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर होगा फ्रॉम वर्ल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल यहां पर दे रहा हूं सिर्फ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जो कि आप लें डेटा कलेक्ट कर रहा है अबाउट करता था अबाउट डिफरेंट एग्रीकल्चरल वेरिएबल्स वो सारा आप कहें यहां एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स फिर इसी पैटर्न पर आप कह लें आफ्टर एटीन अमेंडमेंट एग्रीकल्चर इज अ प्रोविंशियल मैटर तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन आप कह लें प्रोविशियल लेवल पे आपके पास जो डिफरेंट नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स देट आर कुलेक्टिंग डेटा एट दी प्रोविंशियल लेवल हाँ आप कह लें वहां पर कुछ आपके पास फेडरल लेवल पे भी एजेंसीज हैं देट आर मेकिंग कुलेक्शन अबाउट नंबर ऑफ स्टेटिस्टिक्स अबाउट एग्रीकल्चर फिर अब यहां पर ये जो स्क्रीन है देट इज रिलेटेड विद दैट आई गेट फ्रॉम दर्ल्ड बैंक जब मैंने वर्ल्ड डेवेलमेंट इंडिकेटर को ब्राउज किया टू कलेक्ट डेटा अबाउट रिलेटिंग टू तो एग्रीकल्चरल सेक्टर तो यहां पर आप कह रहे हैं दे, नम, आपके पास लिस्ट जो आपको इंडिकेट करते हैं कि डेटा अबाउट दिस वेरिएबल इज अवेलेबल अंडर वर्ल्ड डेवेल्पमेंट इंडिकेटर जब आप वर्ल्ड डेवेल्पमेंट इंडिकेटर में जाओगे तो वहां पर आप कह लो कि आपके पास जो डेटा होगा अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज वो इंफॉर्मेशन आप आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यूजली टू मेक अ कंपेरिजन अक्रॉस कंट्रीज आप कह लें कि हम इंटरनेशनल एजेंसी से डेटा कलेक्ट करते हैं जब हमारा एनालिसिस का फोकस सिर्फ लोकल लेवल पे हो तो हम यूजुअली लोकल सोर्सेस से डेटा ऑप्टेन करते हैं